में सनती बहरान पर काबू पाने के लिए फैसलाबाद के बड़े इंडस्ट्री मालिकान ने सर जोड़ लिए। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में सनतकारों को हुकूमत की जानिब से खुशखबरी सुना दी गई। असमा रियाज की रिपोर्ट। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में पांचवी बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस वैल्यू एडिशन एंड इन्वेस्टमेंट इन टेक्सटाइल मुनक्किद हुई। चाइना, बांग्लादेश और इंडोनेशिया समेत मुख्तलिफ ममालिक के माहरीन ने खताब किया। वज़ीरे आज़म के मुशीर खास अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा कि बैन अल-अक़वामी मुआवनत से मुल्की सनत का पहिया कामयाबी से दौड़ाएंगे। हम लोगों ने इंडोनेशिया में हमें मार्केट एक्सेस मिल गई है, इंशाल्लाह अगले महीने हमें चाइना में मार्केट एक्सेस मिल जाएगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इजाफा होगा तो जल्दी से जल्दी हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। ताजर ब्रादरी ने नई हुकूमती पॉलिसीज पे इत्मीनान का इजहार किया। हर चीज को करने का एक रोड मैप है, वो रोड मैप बड़ा क्लियर है, विजन बड़ा क्लियर है कि हमने एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करना है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स करनी है, उसके लिए अपडेटेड मशीनरी, अपडेटेड टेक्सटाइल की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे स्पेशलाइज्ड स्किल्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके ऊपर वर्किंग की जा रही है। बड़े एक्सपोर्टर्स समेत पावर लूम्स और प्रोसेसिंग यूनिट से मुंसलिक ताजरों ने छोटी सनतों की बहाली पे आवाज उठाई। शायद टेक्सटाइल में जान पड़ जाए, जो ये इस वक्त जो गवर्नमेंट कर रही है, जो रज़ाक दाऊद साहब हैं वो सब सेक्टर को सुन रहे हैं और सब सेक्टर के मसाइल को वो कोशिश करते हैं कि हल करें। शुरका का कहना था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरक्की मुल्की मईशत को खुशहाल बनाने के लिए रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करेगी। कैमरामैन अब्दुलरहमान के साथ असमा रियाज, हम न्यूज़, फैसलाबाद।